नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टी टाइम कोशिश पर। मित्रों, तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा का पाठ बजरंग बली के भक्तों में अत्यंत लोकप्रिय है। सृष्टि के संहारक भगवान रुद्र ही अपने प्रिय श्री हरि की सेवा का पर्याप्त अवसर प्राप्त करने के लिए तथा कठिन कलिकाल में अपने भक्तों की रक्षा की इच्छा से पवन देव के औरस पुत्र और वानर राज केसरी के क्षेत्रज पुत्र हनुमान के रूप में अवतरित हुए। हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी की कृपा से समस्त व्याधियों से छुटकारा प्राप्त होता है एवं असंभव कार्य भी सुगम होते देखे जाते हैं। भयंकर से भयंकर तंत्र मंत्र और भूत प्रेत भी हनुमान जी के सम्मुख टिक नहीं पाते। अपने भक्तों के रक्षक हनुमान जी की शरण प्राप्त कर लेने पर भक्तजन स्वतंत्र एवं निर्भीक रहते हैं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय बजरंग अवश्य लिखें। ओम श्री हनुमंते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु गुरु सुधारी, वर्णव रघुबर बिमल चसु जो दायक फलचारी। अर्थात श्री गुरु के चरण कमल की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके प्रभु श्री राम के गुणों का बखान करता हूँ, जो चारों प्रकार के फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमीरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश निकार। अर्थात हे पवन कुमार, मुझे बुद्धिहीन मानकर सुनिए और बल बुद्धि विद्या दीजिए और मेरे कलेश और विकार हर लीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। अर्थात ज्ञान गुण के सागर हनुमान जी की जय, तीनों लोकों को अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले कपीश की जय। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे अतुलित बल के धाम रामदूत हनुमान, आप अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से संसार में जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर, आप वज्र के समान अंगों वाले हैं और अपने भक्तों की कुमति दूर करके उन्हें सुमति प्रदान करती हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। अर्थात आपके स्वर्ण के समान कांतिमान शरीर पर सुंदर वस्त्र सुशोभित हो रही हैं। आपके कानों में कुंडल और बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात आपने अपने हाथों में वज्र के समान कठोर गदा और ध्वजा धारण किया है। कंधे पर मूंज और जनेऊ भी धारण किया हुआ है। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। अर्थात आप भगवान शंकर के अवतार और केसरी नंदन हैं। आप परम तेजस्वी और जगत में वंदनीय हैं। विद्वान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। अर्थात आप विद्वान गुणी और अत्यंत चतुर हैं और प्रभु श्री राम की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप प्रभु श्री राम की कथा सुनने के लिए सदा ललायत रहते हैं। राम लक्ष्मण और सीता सदा आपकी हृदय में विराजती हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। अर्थात आपने अति लघु रूप धारण करके माता सीता को दर्शन दिया और विकराल रूप धारण करके लंका को जलाया। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात आपने विशाल रूप धारण करके असुरों का संहार किया और श्री राम के कार्यों को पूर्ण किया। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। इस कार्य से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सब भाई। अर्थात भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि हे हनुमान, तुम मुझे भरत के समान ही अत्यंत प्रिय हो। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात हजार मुख वाले शेषनाग तुम्हारे यश का गान करें, ऐसा कहकर श्री राम ने आपको गले लगाया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनिसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिग्पाल जहाते, कवि गोविंद कही सके कहाँ ते। अर्थात हे हनुमान जी, आपके यशों का गान तो सनकादिक ऋषि ब्रह्मा और अन्य मुनिगण नारद सरस्वती के साथ शेषनाग यमराज कुबेर और समस्त दिग्पाल भी करने में असमर्थ हैं, तो फिर विद्वान कवियों का तो कहना ही क्या।
तुम उपकार सुग्र वही किन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थात आपने सुग्रीव पर उपकार किया और उन्हें राम से मिलाया और राजपद प्राप्त कराया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपकी सलाह को मानकर विभीषण लंकेश्वर हुए ये सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। अर्थात हे हनुमान जी आपने बाल्यावस्था में ही हजारों योजन दूर स्थित सूर्य को मीठा फल जानकर खा लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल्दी लांगी गई अचरज नाही। अर्थात आपने भगवान श्री राम की अंगूठी अपने मुख में रखकर विशाल समुद्र को लांग गए थे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थात संसार में जितने भी दुर्गम कार्य हैं वे आपकी कृपा से सरल हो जाती हैं। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु बेसारे। अर्थात भगवान राम के द्वारपाल आप ही हैं। आपकी आज्ञा के बिना उनके दरबार में प्रवेश नहीं मिलता। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक कहो को डरना। अर्थात आपकी शरण में आए हुए को सब सुख मिल जाते हैं। आप जिसके रक्षक हैं उसे किसी का डर नहीं। अपने तेज समहारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे। अर्थात हे महावीर अपने तेज के बल को स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपकी एक हुंकार से तीनों लोक कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात आपका नाम मात्र लेने से भूत पिशाच भाग जाते हैं और नजदीक नहीं आते। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थात हनुमान जी के नाम का निरंतर जाप करने से सभी प्रकार के रोग और पीड़ा नष्ट हो जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अर्थात जो भी मन कर्म और वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है वो संकटों से बच जाता है। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात जो राम स्वयं भगवान हैं उनके भी समस्त कार्यों का संपादन आपके ही द्वारा किया गया है। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात हे हनुमान जी आप भक्तों के सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करती हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जग उजियारा। अर्थात हे हनुमान जी आपके नाम का प्रताप चारों युगों सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग और कलयुग में है। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात आप साधु संतों के रखवाले असुरों का संहार करने वाले और प्रभु श्री राम के अत्यंत प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। अर्थात आप आठों प्रकार की सिद्धि और नौ निधियों के प्रदाता हैं और ये वरदान आपको जानकी माता ने दिया है। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप अनंत काल से प्रभु श्री राम के भक्त हैं और राम नाम की औषधि सदैव आपके पास रहती है। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात आपकी भक्ति से जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्ति देने वाली प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भगत कहाई। अर्थात वो अंत समय में मृत्यु के बाद भगवान के लोक में जाता है और जन्म लेने पर हरि भक्त बनता है। और देवता चित न धरई हनुमत से ही सब्र सुख करई। अर्थात किसी और देवता की पूजा न करते हुए भी सिर्फ आपकी कृपा से ही सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति हो जाती है। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमीरे हनुमत बलवीरा। अर्थात जो भी व्यक्ति हनुमान जी का ध्यान करता है उसके सब प्रकार के संकट और पीड़ा मिट जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव के नाल। अर्थात हे हनुमान गोसाई आपकी जय हो आप मुझ पर गुरुदेव के समान कृपा करें। जो सत बार पाठ कर कोई छुटही बंदी महासुख होई। अर्थात जो इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे महान सुख की प्राप्ति होती है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गोरीसा। अर्थात जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे निश्चित ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साक्षी स्वयं भगवान शिव है। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में हर डेरा। अर्थात हे हनुमान जी तुलसीदास सदैव प्रभु श्री राम का भक्त है ऐसा समझकर आप मेरे हृदय में निवास करें।
पवन तन्ने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हरदे बसहु सूर भू। अर्थात हे मंगल मूर्ति पवन सुत हनुमान जी, आप मेरे हृदय में राम लखन सीता सहित निवास कीजिए। भगवान हनुमान के बल पराक्रम शौर्य और स्तुति का वर्णन हनुमान चालीसा में किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए हनुमान चालीसा में भगवान हनुमान जी के कई चमत्कारी शक्तियों का वर्णन किया गया है। हनुमान चालीसा के पाठ से सभी लोगों के दुखों और परेशानियों को स्वयं भगवान हनुमान हर लेते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी भोलेनाथ के रुद्रावतार हैं। कलयुग के समय में हनुमान जी की आराधना शीघ्र फलदायी मानी गई है। हिंदू धर्म में भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना और वंदना बड़े ही श्रद्धा व भक्ति भाव से की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो कलयुग समय में भी पृथ्वी लोक पर मौजूद हैं और अपने भक्तों के ऊपर आने वाली प्रत्येक विपदा को दूर करती रहती हैं। प्रत्येक प्रकार के दुख के निवारण, भय से मुक्ति और अपने आराध्य हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का नियमित पाठ अवश्य किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा में चमत्कारी शक्तियों का वर्णन किया गया है जिनका पाठ करने से हनुमत कृपा जरूर मिलती है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही ऐसी आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल टी टाइम गॉसिप्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।